नमस्ते दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं हमारा YouTube चैनल मुनिवेशन STM में। तो जैसे कि हर दिन कुछ नया नया दिखाते रहते हैं, आज भी कुछ नया दिखाने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को एकदम आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें बहुत सारा जो इंस्ट्रक्शन है आज मैं देने वाला हूँ। तो ये मतलब जो वीडियो आज मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूँ, ये बांग्ला में एक बार मैं कर चुका हूँ, तो बहुत सारा मेरा काफ़ी सारा कस्टमर है, तो उन लोगों का कहना ये था कि ये हिंदी में आप एक बार कर दीजिए। तो उन लोगों के लिए अभी आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि जितना सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ सबसे पहले आप ही के मोबाइल पर आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक्स क्या है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने जो है चावल है और इसका ऊपर अभी नमक डाला गया है, इसका ऊपर अभी नमक डाला गया है। तो ये 50 किलो का एक बोरा है चावल का, अभी इसमें जो है 1 किलो नमक हम लोग डाल के रखे हैं। 1 किलो जो नमक है वो ऐसे करके मतलब डाला जाता है। अभी इसमें क्या है ये देखिए, एक बार चावल का ऊपर मतलब 1 क्विंटल चावल का ऊपर ये नमक ऊपर से मतलब हम लोग डाल दिए हैं, अभी आप देख रहे हैं वही। और इसे मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें अभी पानी मिक्सिंग करेंगे। तो इसे जैसे ही पानी मिक्सिंग करेंगे तो कितना पानी मिक्सिंग करना है ये जान लेना जरूरी है। इसमें हम 3 लीटर पानी अभी मिक्सिंग करेंगे। तो अभी देख लीजिए, इसमें हम पानी मिक्सिंग कर दिए हैं। अब इसको क्या करना है, इसके बढ़िया से मतलब मिक्सिंग करना है, हाथ से मतलब बढ़िया से इसे मिक्सिंग करना है। ये जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि जितना सारा इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं सबसे पहले आप ही के पास आने वाले हैं और आप घर बैठे बैठे मतलब बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ और मजा लेते रहिए इस चैनल का और घर बैठे बैठे देखते रहिए और आपका जो जानने का जो वो मतलब सब कुछ जान सकते हैं आप घर बैठे बैठे। ये भी जरूरी है, सीख लेना बहुत जरूरी चीज़ है और सीखने को कहीं दूसरा जगह नहीं मिलेगा आपको। श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स का ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा मुड़ी मशीन STA, इसमें आपको बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलेगा। हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं आप लोगों को और बोलते रहते हैं, बगैर ट्रैफिक के कोई वीडियो हम लोग करते नहीं हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, इसे हम लोग अभी मिक्सिंग कर रहे हैं बढ़िया से, ये देख लीजिए। तो इसे ऐसे करके मतलब मिक्सिंग किया जाता है। अभी आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मुड़ी मशीन STA। तो चावल का जो प्रोसेस है ये कैसे किया जाता है, काफ़ी सारा मेरा कस्टमर है सबने पूछा है, तो उन्हीं लगाव के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल मुड़ी मशीन STA। भाई उधर से थोड़ा ले लो, ये देखिए इसे ऐसे करके मतलब मिक्सिंग किया जाता है, मतलब पानी नमक और चावल तीनों को बढ़िया से मिक्सिंग करना होता है। तो खास आप ही लोगों के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं हम, ये देख लीजिए। यह हो गया मतलब अभी मिक्सिंग, ऐसा करके मिक्सिंग करना है, यही चीज दिखा रहे थे आप लोगों को। और ये मिक्सिंग मतलब करने के बाद आपको चावल का जो प्रोसेस कैसे होता है देखिए,
वो हो गया पहले से ही किया हुआ है। देखिए मतलब वो मिक्सिंग करने के बाद आपको चावल ऐसे होगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा चावल को फिर ऐसे करके रेडी करना पड़ता है। ये देख लीजिए, इसे मतलब छोड़ देना चाहिए कुछ देर तक। जैसे कि छोड़ दीजिएगा तो फिर ये जम के ऐसा हो जाएगा। फिर इसे हाथ से लगड़ लगड़ के अलग करना पड़ता है। तो ये जो जानकारी है अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे हमारा जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ रहता है इसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो हम आज आप लोगों को दिखाने वाले थे तो ये वीडियो था कि चावल को कैसे प्रोसेस किया जाता है, चावल को कैसे प्रोसेस किया जाता है यही वीडियो आज हम आप लोगों को दिखा रहे थे। मतलब इसमें पानी, नमक और चावल अच्छी तरह से मतलब मिला लेना चाहिए और 10 से 15 मिनट तक इसे बढ़िया से मिक्सिंग कर देना चाहिए। उसके बाद इसे 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, जमने दीजिए। और जमने के बाद जैसे मैं आपको दिखा रहा था वो जम के मतलब एकदम सीमेंट के माफिक हो जाएगा। उसके बाद आपको हाथ से लगड़ लगड़ के इसे अलग करना होता है और अलग करने के बाद आप दूसरे दिन, मान लीजिए आज जैसे कि शाम के टाइम हम लोग ये रेडी कर रहे हैं तो फिर कल सुबह से इसे धूप में हम लोग सेकेंगे और धूप में उतना देर तक सेकेंगे जब तक ना ये चावल पूरा कड़क हो जाता है। कड़क हो जाने के बाद आप उसे रोस्टर मशीन में डाल सकते हैं और आप उसमें मुढ़ी बना सकते हैं। तो ये होता है चावल का पूरा प्रोसेस। अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ रहता है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट फोन उठाइए और कॉलिंग कीजिए और जान लीजिए कि आपको चावल को कैसे प्रोसेस करना है। अभी जो है अभी हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप प्रोसेस करने के बाद अगर आप धूप में नहीं सेकेंगे तो फिर कैसे आप चावल को मतलब ड्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूं आपको कि किस माध्यम से आप चावल को ड्राई करते हैं। तो अगर आप धूप में सेकना नहीं चाहते हैं और मान लीजिए कि आपको जल्दी मतलब चावल को प्रोसेस करना है तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, देखिए उसके लिए आप ये जो ड्रायर मशीन है आप इस ड्रायर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ड्रायर मशीन के जरिए आप घंटे में लगभग 200 किलो तक चावल को सुखा सकते हैं। मतलब एक घंटे में आप 2 क्विंटल चावल इस ड्रायर मशीन के जरिए सुखा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका धूप निकला नहीं है, आप चावल का प्रोसेस कैसे करेंगे बगैर धूप के, तो इसके लिए आप ड्रायर मशीन के लिए सोच सकते हैं और ड्रायर मशीन में आप कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है हमारा जानकारी लिख कर बोलिएगा, कॉमेंट करके बोलिएगा और श्रीदुर्गा ऑटोमोबाइल्स का ये चैनल आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये जानकारी कैसे लग रहा है ये थोड़ा बताइएगा। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ मुड़ी मशीन एसडीएम में और आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए नमस्ते।